अस्सलामुअलैकुम, ओरियल प्रॉपर्टी से अहमद वलीद आपसे मुखातिब हूँ और आज हम आपको टूर करवाएंगे ये 10 मरला 35x70 डायमेंशंस पे बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सॉलिड कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइनर घर जो कि एक प्राइम लोकेशन पे B17 इस्लामाबाद में मल्टी गार्डन में लोकेटेड है। सो ये मेन बुलेवार्ड पे बना हुआ है, बिल्कुल सामने मेन बुलेवार्ड है। घर का फ्रंट हमेशा के लिए ओपन है और सामने घर के प्लेग्राउंड बना हुआ है। बहुत ही प्राइम लोकेशन है, तमाम अमेनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। कमर्शियल बिल्कुल पास है, मस्जिद बिल्कुल पास है, बाकी भी तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं और B17 इस्लामाबाद में ये खूबसूरत डिज़ाइनर घर अवेलेबल है। सो आप इस घर को एज ए डबल यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं, आपको सेपरेट एंट्रेंस भी दी गई है और इसका स्टेयर्स का एरिया सेपरेट है। सो आप इसको प्रॉपर एक डबल यूनिट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। 7 बेडरूम की अकोमोडेशन है, 3 बेडरूम इसके ग्राउंड फ्लोर पर हैं और 4 बेडरूम इसके फर्स्ट फ्लोर पर हैं। 7 बेडरूम आपको इस घर में दिए गए हैं, 10 मरला के घर में 7 स्पेशियस बेडरूम अगर आपको मिलते हैं तो भाई आपको और क्या चाहिए। 35x70 इसकी डायमेंशंस हैं जो कि नॉर्मल प्लॉट साइज है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करूं तो टॉप नॉच क्वालिटी की इस घर की कंस्ट्रक्शन है, बहुत अलग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। सो बात करें फ्रंट एलिवेशन की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ग्रे रॉक वॉल मिलती है, अल्मीनियम प्रोफाइल लाइट और इसके साथ वुडन टाइल का इस्तेमाल किया गया है और साथ में इसका कार पोच देखें तो काफ़ी स्पेशियस, 3 गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, 2 सामने 1 साइड पर, और ये रैंप देखें तो यहाँ पे भी 2 गाड़ियाँ आराम से आप पार कर सकते हैं और घर के सामने आपको लॉन भी दिया गया है। सो जल्दी से अभी आपको घर के अंदर लेके आते हैं और अंदर से इस घर का कंप्लीट टूर देते हैं। 2 गाड़ियाँ आप इस तरफ पार कर सकते हैं, 1 गाड़ी आपकी इस तरफ पार्क हो सकती है। ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक आप देख सकते हैं, साथ में इस तरफ ऊपर ये बैल्कनी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप खड़े हो सकते हैं। एक्सटीरियर के ऊपर आपको रॉक वॉल मिल जाती है और सामने आपको 3 एंट्रेंस नज़र आ रही है, साथ में इसके पाउडर वॉशरूम की एंट्रेंस है और बहुत ही खूबसूरत इसके डोर्स हैं और डबल यूनिट के लिए आपको सामने एक सेपरेट डोर दिया गया है और ये इसके ड्राइंग रूम की एंट्रेंस और सामने है इस घर की मेन एंट्रेंस। सो ये इसका पाउडर वॉशरूम है, ये कारपोर्ट से डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं, कमोड यहाँ पे और ये सिंक देख सकते हैं आप और इस तरफ ये इसकी मेन एंट्रेंस है। अभी हम घर में एंटर होंगे, ये सारे जो दरवाजे आप देख रहे हैं सॉलिड वुड के बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका इसके मेन डोर है और यहाँ से घर के अंदर हम अभी एंटर होंगे और एंट्रेंस के साथ ही क्या खूबसूरत आपकी एंट्रेंस लॉबी है। आप सीलिंग देखें, बहुत ही खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है, वुडन ग्रेन्स आप देख सकते हैं, ये पूरे का पूरा एक कॉरिडोर डिज़ाइन किया गया है और 7 बेडरूम की अकोमोडेशन है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आपको 3 बेडरूम दिए गए हैं, 4 बेडरूम इसके फर्स्ट फ्लोर पे हैं और यहाँ पे एंट्रेंस के साथ ही ये लेफ्ट हैंड साइड पे है आपका स्टेयर केस। सो अगर आप इसको डबल यूनिट यूज़ करना चाहें तो आप इसको एज ए सेकेंड फ्लोर जो है वो इसका जो फर्स्ट फ्लोर है आप इसको सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेयर्स प्रॉपर सेपरेट हैं। सो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो फ्लोरिंग की टाइल आप देखें तो पूरे फ्लोर पे एक ही तरह की टाइल कंटिन्यू की गई है क्योंकि बड़ी एलिगेंट लग रही है। सीलिंग आप देखें तो बड़ी खूबसूरत, साथ में एक प्यारा सा शैंडलियर है, फैंस आप देख सकते हैं और यहाँ पे मेरे साथ ही इस तरफ देखें तो आपको ये फर्स्ट बेडरूम मिलता है जिसमें आपको प्रॉपर इसमें बेड इंस्टॉल मिलते हैं, ये बिल्ट इन आपको यहाँ पे बेड दिए गए हैं इसके साथ ही। और आगे बढ़ें तो ये आपका ड्रेसिंग एरिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत, उसमें ड्रेसिंग मिरर देखें बड़ी प्यारी कटिंग में, वॉर्म लाइट्स इसको एनहेंस किया गया है, सीलिंग देखें तो आपको वुडन सीलिंग यहाँ पे दी गई है और बिल्कुल सामने है इसका अटैच वॉशरूम जिसमें आपको कुरान की वैनिटी दी गई है और साथ ही इस तरफ ये आपका कमोड है। सो इस रूम के साथ आपको शावर जो है वो हैंड शावर दिया गया है। सो ये 7th बेडरूम है आपके घर का, बाकी 6 प्रॉपर बड़े बेडरूम्स हैं और इसके साथ साथ अगर आपने ड्राइंग रूम में एंटर होना है तो यहाँ से ये आपके ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है, यहाँ से आप ड्राइंग रूम में जा सकते हैं। ये आपका एक हिडन डोर है, देखिए इसके अंदर ये आपको इस तरफ शेल्फ्स मिलती हैं और यहाँ पे ये आपके ड्राइंग रूम के एंट्रेंस है और क्या खूबसूरत आपका ड्राइंग रूम की फ्लोरिंग आप देखें, सीलिंग आप देखें, आपको बड़े प्यारी यहाँ पे सीलिंग दी गई है। एक विंडो है सामने और ये एक प्राइवेट एंट्रेंस इस तरफ से आपको दी गई है जो कि इसके कारको से डायरेक्ट आपके ड्राइंग रूम के लिए है और अगर आप इस दरवाजे को बंद कर देते हो तो ये आपका बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये कोई दरवाज़ा भी है, बल्कि ये बिल्कुल ऐसे लगे जैसे कुछ शेल्फ्स यहाँ पे बनाई गई हैं। सो अभी आपको जल्दी से घर के अंदर लेके आते हैं, बाकी चीज़ें दिखाते हैं, बेडरूम्स दिखाते हैं, किचन वगैरह दिखाते हैं। सो यहाँ पे ये बेडरूम के साथ अटैच है, आप इसको ऐसे गेस्ट बेडरूम यूज़ कर सकते हैं।
आगे यहाँ से बढ़ें तो ये आपका सारे का सारा टीवी लाउंज है, काफ़ी स्पेशियस टीवी लाउंज है, शैंडलियर बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे ये यह देखें तो आपकी मीडिया वॉल है, नीचे इलेक्ट्रिक फायरप्लेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत आपकी मीडिया वॉल, सिक्योरिटी कैमराज यहाँ पे इंस्टॉल हैं। नीचे इसकी इलेक्ट्रिक फायरप्लेस आप देख सकते हैं, बड़ी सी फायरप्लेस आपको यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे ये दो बेडरूम इस तरफ आप देख सकते हैं, एक बेडरूम मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ। सो अभी आपको ये वाले बेडरूम दिखाता हूँ, फिर किचन दिखाते हैं और फिर हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे। सो बिल्कुल सामने मेरे बेडरूम आप एक देख सकते हैं, दरवाजे सारे सॉलिड हैं, घर के सॉलिड कंस्ट्रक्शन है घर की। बेडरूम के साइज़ भी आप देखें तो काफ़ी मुनासिब हैं, बड़े इसके साइज़ हैं, सीलिंग बड़ी प्यारी, वार्म लाइट्स है, इसको इन्हेंस किया गया है, वाइट टाइल है 2x4 की, और एक विंडो इस तरफ वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ पे है इसकी ये वार्डरोब जिसमें खूबसूरत ग्रे टेक्सचर कोटिंग की गई है, टेक्सचर की शीट आपको दी गई है। और यहाँ पे इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये आपका वॉशरूम विद सेपरेट शावर कैबिन, और यहाँ पे ये आपका वारंटी सेटअप आ जाएगा, साथ में आपका कमोड है। सो जो शावर कैबिन है वो कम्प्लीटली सेपरेट है। सो अभी आपको इसका मैं सेकेंड बेडरूम सॉरी थर्ड बेडरूम विजिट करवाता हूँ, इसके ग्राउंड फ्लोर का। और यहाँ पे इस तरफ ही इसका थर्ड बेडरूम है, काफ़ी स्पेशियस बेडरूम, एक विंडो घर की बैक पे, सीलिंग आप देखें तो बहुत ही एलिगेंट सीलिंग है। और साथ ही इसका यहाँ पे अटैच वॉशरूम है जिसमें बड़ी प्यारी आपको वार्डरोब दी गई है, और टॉप क्वालिटी की इसकी कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही प्यारी इसकी फिनिशिंग की गई है। आगे बढ़ेंगे तो ये है आपका शावर कैबिन बिल्कुल सामने, टाइल बड़ी प्यारी यूज़ की गई है, सेपरेट शावर कैबिन है, यहाँ पे ये कमोड और साथ में ये आपकी वैनिटी है। और टाइल देखें तो बॉटम टू टॉप आपको यहाँ पे टाइल दी गई है। सो जल्दी से मूव करेंगे इसके किचन में, किचन बिल्कुल साथ है, प्रॉपर प्रैक्टिकल फ्लोर प्लान है घर का, ये एक ही फ्रेम में आप सारा इसका फ्लोर देख सकते हैं। और साथ ही ये आपका किचन है जो कि प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लोज किचन है, डोर्स की हाइट एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे दी गई है, और क्या खूबसूरत आपका ये किचन है, आप सीलिंग तक इसके कैबिनेट्स देख सकते हैं, वाइट शीट यहाँ पे यूज़ की गई है, वाइट कोरियन है, ग्लास के आप ये फ्रंट देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, स्टोव एग्जास्ट हुड यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरफ सिंक है, बहुत ही खूबसूरत और एक एलिगेंट किचन है। और ये आपका यहाँ पे ओपनेबल ग्लास कैबिनेट, यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन आप लगा सकते हैं, और इस तरफ ये आपके एक्सेसरीज के कैबिनेट्स हैं। यहाँ पे ये ड्रॉज देखें, ड्रॉज में भी आपको ग्लास फ्रंट दिए गए हैं जो कि बड़े एलिगेंट लग रहे हैं, ये आपकी कटलरी के लिए, स्टोव आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका सिंक है, कोरियन का इसका काउंटर टॉप है। और आगे बढ़ेंगे तो ये घर की बैक है, टाइल वर्क देखें, इसकी बाउंड्री वॉल के ऊपर टाइल वर्क किया गया है, और क्या नफासत से इसको बनाया गया है, क्लीन लाइन से बिल्कुल आपको हर चीज़ जो है ना उसमें महारत मिलेगी, ऐसे फजूल फिनिशिंग नहीं की गई बल्कि हर चीज़ बड़ी क्लीन तरीके से फिनिश की गई है। यहाँ पर ये इसके गीज़र की पॉइंट्स हैं, इस तरफ आगे बढ़ें तो ये आपको पानी के पॉइंट इस तरफ दिए गए हैं, सो आप यहाँ पे अपनी लॉन्ड्री वगैरह अरेंज कर सकते हैं। सो किचन भी बहुत ही खूबसूरत है, लॉन्ड्री एरिया पीछे दिया गया है। अभी हम आपको लेके आते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे, इस फ्लोर पे मैंने आपको ड्राइंग रूम विजिट कराया है और बाकी तीन बेडरूम विजिट करवाए हैं, उसके साथ साथ ये टीवी लाउंज और किचन हमने देखा है। ये इसकी एंट्रेंस है, ये सामने इसका मेन डोर आप देख सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर ये इस तरफ ये इसकी स्टेयर्स है जहाँ से हम ऊपर जाएँगे और आपको इसका फर्स्ट फ्लोर सारा विजिट करवाते हैं। सो स्टेयर्स काफ़ी खुली हैं, इजीली सामान आप ऊपर लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे इस तरफ ये जो एंट्रेंस आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट इसके कार्डपोर्ट से आ रही है, ताकि अगर आप डबल यूनिट यूज़ करें तो आपकी फैमिली यहाँ से एंटर हो सके और इजीली ऊपर जा सके। स्टेयर्स की वॉल जो है ये भी बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइन की गई है, और ऊपर आते ही बिल्कुल सामने एक बेडरूम है जिसमें बेड बना हुआ है बेड वॉल के साथ ही। ये इसके टेरेस का दरवाज़ा है, ठीक है, यहाँ से आप टेरेस पर जा सकते हैं, आपको टेरेस भी दिखाते हैं, काफ़ी खुला टेरेस है, ये आपका टेरेस है, यहाँ पे आप सेटिंग वगैरह बना सकते हैं। वुडन टाइल इसके एलिवेशन के ऊपर यूज़ की गई है जो कि आपको नज़र आ रही है। बिल्कुल सामने एक बेडरूम, एक बेडरूम इसके साथ, आगे आपका टीवी लाउंज, फिर सामने दो बेडरूम हैं और साथ में किचन है, और ये स्टेयर्स जा रही हैं इसके ऊपर रूफ टॉप पर, और क्या खूबसूरत इसकी डिज़ाइन वॉल है। सो जल्दी से बिल्कुल सामने वाला बेडरूम विजिट करते हैं। सो इसमें आपको प्रॉपर बेड दिया गया है आपकी बेड वॉल के साथ, और साथ में आपकी वार्डरोब बनी है लेफ्ट एंड राइट, सीलिंग आप देख लें खूबसूरत सीलिंग है, खुले बेडरूम हैं, साथ में बैल्कनी आप देख सकते हैं, ये आपकी बैल्कनी का रास्ता है, यहाँ पर आप खड़े हो सकते हैं बाहर, ये सेफ्टी ग्रिल खुल भी जाती है, और साथ इसका अटैच वॉशरूम है, बहुत ही प्यारी आपकी ये वैनिटी है, कोरियन की वैनिटी आपको यहाँ पर दी गई है,
बहुत ही प्यारी फिनिशिंग है, और साथ ही ये आपका कमोड आपको यहाँ पे दिया गया है, साथ में शावर कैबिन जो है वो सेपरेट है इस वॉशरूम का भी। जल्दी से मूव करेंगे नेक्स्ट बेडरूम में जो कि बिल्कुल इसके साथ है, ये आगे बढ़ेंगे तो ये आपका नेक्स्ट बेडरूम है। इसमें आपको बेड नहीं दिया गया, बेड उस बेडरूम में लगा हुआ है, लेकिन इसमें वार्डरोब चेक करेंगे, खूबसूरत वार्डरोब, साथ में ड्रेसिंग भी आपको दिया गया है, और साथ में ये आपका वॉशरूम है, ये कमोड आ गया, सामने आपकी वैनिटी आ गई, सो बड़ा प्यारा ये भी बेडरूम है। आगे यहाँ से हम बढ़ेंगे तो ये आपका एक स्पेशियस टीवी लाउंज लिविंग एरिया कह लें, बेहतरीन, साथ में ये आपकी एक टीवी वॉल है, मीडिया वॉल, और इस तरफ ये कुछ कैबिनेट्स बने हुए हैं, और सीलिंग आप देखें बड़ी प्यारी, बेहतरीन और स्पेशियस आपका एरिया है। सो दो बेडरूम आप सामने देख सकते हैं, पहले ये वाला बेडरूम विजिट करते हैं। टोटल 7 बेडरूम की अकोमोडेशन आपको दी गई है, स्पेशियस बेडरूम है ये भी, साथ में एक विंडो देख लें, सीलिंग आप देखें तो बहुत ही एलिगेंट सीलिंग आपको यहाँ पे दी गई है। वॉशरूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वॉशरूम में बिल्कुल सामने आप जिस इसकी वार्डरोब देख सकते हैं, और वार्डरोब के सामने आपका ये वॉशरूम है जिसमें शावर केबिन कम्प्लीटली सेपरेट है, ये आपका कमोड है, और साथ में आपको ये इसका वैनिटी सेटअप दिया गया है। सो अभी हम विजिट करेंगे इस घर का लास्ट बेडरूम जो कि 7वां बेडरूम है, 7 बेडरूम आपको 10 मरला के घर में दिए गए हैं, और सॉलिड कंस्ट्रक्शन के साथ, ये देखें स्पेशियस बेडरूम, सीलिंग आप देखें बड़ी मुनासिब सीलिंग, खूबसूरत सी, साथ ही ये पीछे बालकनी है घर के। आगे बढ़ें तो ये वॉशरूम आपको दिखा दूं, तो ये आपकी वार्डरोब आ गई, बेहतरीन वार्डरोब, और साथ ही आपको यहाँ पे सामने शावर कैबिन कम्प्लीटली सेपरेट दिया गया है, वुडन टाइल यूज़ की गई है, यहाँ पे है आपकी वैनिटी और कमोड, और शावर कैबिन बड़ा प्यारा दिया गया है, टाइल देखें बड़ी खूबसूरत है, बेहतरीन, और ये नीचे आपकी ड्रेन। सो बड़ा प्यारा आपका ये भी वॉशरूम, 7th बेडरूम अकोमोडेशन, छत के ऊपर आपको लेके जाते हैं, आपको इसका रूफटॉप भी दिखाते हैं, उससे पहले पहले आपको ये फर्स्ट फ्लोर का किचन हम दिखा दें, तो ये है आपका एक खूबसूरत मॉडर्न किचन, बॉटम टू टॉप आपको ग्रे कलर के कैबिनेट्स दिए गए हैं, साथ में वुड का कॉम्बिनेशन है, वुडन कैबिनेट्स बिल्कुल हैंडल लेस हैं, साथ ही आप चारकोल ग्रे कैबिनेट्स देख सकते हैं, इस तरफ माइक्रोवेव ओवन के लिए ग्लास कैबिनेट दिया गया है, आपको किचन की एक्सेसरीज दी गई हैं, बर्नर आप देख सकते हैं, एग्जॉस्ट हुड है, इस तरफ ये आपका सिंक है, और यहाँ पे घर के पीछे आप खड़े हो सकते हैं, तो अच्छी खासी आपकी यहाँ पे ये बालकनी पीछे दी गई है, और ये ज़रा चेक करें, बेहतरीन रॉक वॉल आपको एक्सटीरियर के ऊपर मिलती है। सो जल्दी से अभी हम आपको विजिट करवाते हैं इसका रूफटॉप, रूफटॉप पे ऊपर आपको मिलता है सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम, और बाकी रूफटॉप के ऊपर आप जो मर्जी बनाते रहें, यहाँ पर आप बारबेक्यू एरिया वगैरह भी बना सकते हैं, खुली स्टेयर्स हैं जो आपको ऊपर लेके जा रही हैं छत पर। जल्दी से आपको दिखाते हैं छत भी, ऊपर आप देख सकते हैं चिप्स का इस्तेमाल किया गया है, ये कुछ दरमियान में आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह भी यहाँ पे लगाए गए हैं, और ये आपका वाटर टैंक है, ये आपका सर्वेंट क्वार्टर, ये इसका दरवाज़ा है, और काफ़ी खुला इसका छत है, ये ओपन टू स्काई एरिया। सो आस्किंग प्राइस मैंने आपको बताई है 6,15,00,000 रुपया इस घर की आस्किंग प्राइस है, बिल्कुल घर के सामने पार्क है, और बहुत ही खूबसूरत और एक प्राइम लोकेशन पे ये लोकेटेड है, B17 मल्टी गार्डन में। सो अगर आप इस तरह का घर ढूंढ रहे हैं तो एनी टाइम आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।